एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा और उसका स्कूल बैग, जिसको देख के पूरा का पूरा परिवार सदमे में है, इस बैग में के है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार जो है सदमे में है। करनाल का ग्रोंडा का एक गांव, जिसमें कि इस स्कूल का ही जो बच्चा है, इसका बैग देख कर हम देख सको हो, बच्चे की जो माँ है वो पूरी तरह से सदमे में है, बच्चे का जो बाप है वो पूरी तरह से सदमे में है, और इस बैग में आखिर ऐसा के है। अड़ोसी पड़ोसियों की अगर मैं बात करूं तो ये भी पूरी तरह से सदमे में है। स्कूल का जो बच्चा है उसमें बैग में किताब है अगर पढ़ने की, में ऐसा के है जिसकी वजह से अन्नी और इसका जो पूरा का पूरा परिवार सदमे में है। आपने ऐसा मामला चेक किया है इसमें बैग में? आप खुद ही देखो के तो जी, आपके भी ओंस उड़ जाएंगे इस बैग में के हमारी तो सारी जिंदगी इसी में खत्म हो करा ली जी। यानी कि एक बच्चे की जिंदगी जो है वो स्कूल बैग में, और ऐसा के है हम खोल कर देखेंगे जरूर भाई, ऐसा के है जिसकी वजह से परिवार जो है वो खून के आंसू रोने मजबूर हो रहा है। अन्नी बेटे ये के ले रहे तू रही है? हाँ भाई, क्या दिक्कत होगी बेटे, इतना उदास क्यों है तू? ये देखो भाई, मासूम सा चेहरा अन्नी फिलहाल जो पूरी तरह से उदास है, और मैं फिर कहूँ स्कूल का जो बैग है उसमें कॉपी किताब पेंसिल हो रहे हैं, लेकिन ईसा इस बैग में के पाया जिसकी वजह से ग्रोंडा का ये जो गांव, और उस गांव में न केवल अन्नी उदास है बल्कि माँ खून के आंसू रोने लग रही है, पिता उदास है, बेबस है, लाचार है। अगर ईसा के इस बैग में बरामद होया जिसकी वजह से गांव के जो लोग हैं वह भी सदमे में है, और बच्चा जो है वो उदास बैठा है, तो हम चेक कर लें इसमें ईसा आखिर है कि है जी। नहीं तो किताब तो कोनी, ये तो डॉक्टर के पर्चे हैं जी। देखो जी, आप प्रशासन को भी दिखाओ, मीडिया को भी दिखाओ जी, हमने तो जी 12 साल हो लिए देख देने। अच्छा ले भाई, थोड़ा सा मैं दर्शकों ने बता दूं मामला क्या है भाई। ये जो बच्चा है ये जिंदगी और मौत के बीच में जूझने लग रहा है, लगभग 12 साल का, 12 साल का हनी जो की जिंदगी और मौत के बीच में जूझने लग रहा है, और उसी की है तस्वीर। ग्रोंडा का गांव कौन सा जी? रायपुरा गांव। रायपुरा गांव। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जी? थैलेसीमिया मेजर बीमारी है जी। थैलेसीमिया, हाँ जी। थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित है 12 साल का हन्नी, जो कि इलाज के लिए गुहार ला रहा है, सरकार का आगे गुहार ला के देख ली, सारे काम करके देख लिए, प्रशासन का आगे गुहार ला के देख ली, लेकिन एक माँ जो है वो खून के आंसू रोने लग रही है। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इस बैग में सिवाय डॉक्टरों के पर्चियों के और कुछ भी को नहीं, सारा का सारा जो बैग है वो तो हम देख सको हो, रिपोर्टों तो भरा हुआ है। ये देखो भाई, कदे कोई से हॉस्पिटल की, कदे कोई से हॉस्पिटल की रिपोर्ट। अरे भाई बात हो, उस फिल्म वाला काम हो गया भाई, बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे भी छोरे की यानी कि अन्नी की जो ऑपरेशन की जो डेट है वो कितनी नजदीक आ रही है जी? 4-5 महीने का टाइम है जी, उससे बाद ऑपरेशन भी नहीं होगा। आप, मैं समझ सकूं आपकी दुख तकलीफ ने, लेकिन मतलब देखो सरकार प्रशासन तो अपील करी आपने, ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ जी, हर जगह जी, हर जगह जा लिया जी, 40 लाख में तो 4.5 लाख तो जी वही बात है जो आप बोल रहे। देखो इसके ऊपर जो खर्चा होना है भाई, हमने पूरी पड़ताल करके जी बुलाई हुआ है, पूरी चीजें हमने खंगाली है पहले। ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा जो एस्टिमेट है 40,50,000 रुपए इसके ऊपर खर्चा होगा। और ये सरकार की अगर मैं बात करूं, जो बड़े बड़े दावे करे है, जो इतने बड़े बड़े दावे करे है, वोट बैंक को बढ़ाने खातर तो नहीं, मेरा कितने बड़े बड़े नारे ला दें, लेकिन फिलहाल एक बच्चे की जान जो खतरे में है इसकी कोई परवाह नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा बहन जी, कितने 40 लाख खर्च होना है लगभग, सरकार ने कह दिया 4.5 लाख दे रही जी सरकार अपने तरफ से, बस 3 लाख पीएम फंड और 1.5 लाख रुपए राज्यपाल की तरफ से, और सरकार से कोई सुविधा नहीं है। आयुष्मान कार्ड भी इसमें लागू नहीं कर रखे जी, इतनी बड़ी बीमारी में, जबकि करोड़ों रुपए टकाजे चंदा के नाम पे, चुनावी चंदा के नाम पे सत्ताधारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी को निकारे भाई, जो भी पार्टियां फंड के नाम पे, चुनावी फंड के नाम पे न्यून बेरा हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए टकाजे, लेकिन एक राष्ट्र की धरोहर, एक ये बच्चा अनि शर्मा जिसकी जिंदगी दाव पर लग रही है। बेटे हौसला ना तोड़िए, अनि बेटे हौसला ना तोड़िए, हम साथ आपके। तो भाई जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उन अपील है, बना मजी आपका शिव कुमार जी, शिव कुमार जी। अच्छा इसकी मदद के लिए जो नंबर है वो नंबर बता दो जी।
98 135 58 587। ये स्क्रीन पे भी नंबर दिखने लग रहा है भाई, एक मिनट, थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है। मैं हमारे से जो भी सहयोग होगा हम गूगल पे से इसमें जो है वो मदद के लिए, और जितने भी दर्शक भाई उन सब तक अपील है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है, 40 लाख रुपए खर्च आना है। थैलेसीमिया नाम की बीमारी है, दिन में खून बदलना पड़ा है जी बहन जी। पहला तो जी 1 महीने में बदलना पड़ा था, फिर 15वें दिन, अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही जी, टाइमिंग घटती जा रही, अब 12 दिन में भी बदलना पड़ जाए जी, 1 हफ्ते में भी बस। अच्छा, हाँ जी, यानी कि भाई लगभग जो एवरेज है हफ्ता 10 दिन में एक बार जो है वो खून बदलना पड़ा है। जब खून नहीं बदला है तो बेटे की जो हालत है बिल्कुल नाजुक हो जाए है, और जी सांस आना बंद हो जाए, उल्टी लगनी शुरू हो जाए, जी हमने अस्पताल तक ले जाना भी मुश्किल हो जाए। एक बार नंबर बताओ, देखो संसार क्रांति समूह की तरफ से थोड़ा सा जो भी हमारा सहयोग बनेगा, बताइए 98 135 जी, 98 135 58 58 7 जी, 58 58 7। हाँ जी, ये भाई देखो माम जो हमारे से जो सहयोग बन पा रहा है, ये देखो भाई, ये हमारा दिखाने के पीछे मकसद ये नहीं है, सिर्फ इसलिए एक भाई जो है भाई, ताकि जो भी जिनका जिसा सामर्थ्य भगवान ने दे रखा है, इस बच्चे की जान बहुत कीमती, और होनहार बच्चा है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमने अपनी तरफ से जो योगदान कर दिया भाई, और जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उन तक अपील है कि इस बच्चे को इन बरोटे से छुटकारा दिलाओ भाई, इस बच्चे को इन बरोटे से छुटकारा दिलाओ। तो बहन जी पढ़ाई में किसा है बच्चा? पढ़ाई में इंटेलिजेंट है जी, जितने परिवार के बच्चे है सब टॉपर है जी, टॉपर बच्चा है। हाँ जी, तो ये बच्चा देश की आन बान शान हो सके है, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सके है, अगर इसको देश का हर नागरिक सहयोग करे तो। सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना जी, एक आपका छोटा सा सहयोग मेरे बेटे के लिए एक नई जिंदगी दे सके। तो बहन जी आपने इसको उसके लिए मतलब सारे बाने बजा लिए, सारे प्रयास कर लिए, हालांकि गांव की तरफ से भी बहुत कोशिशें करी। हाँ जी, गांव की तरफ से जी, सबसे पहले पहल गांव की तरफ से जी, बहुत अच्छा सहयोग दे रहे जी गाँव वाले, पर इतना बड़ा अमाउंट अकेला गाँव भी नहीं कर पाएगा जी। बिल्कुल, क्योंकि अमाउंट बड़ी है, और डर इस बात का है, डर इस बात का है कि डेट जो इसके ऑपरेशन की जो डेट है वो काफी नजदीक लग रही है। हाँ जी, क्या नाम आपका? दुष्यंत सिंह है जी नाम मेरा। तो दुष्यंत भाई अमाउंट बहुत बड़ी है, हाँ। कोशिश तो हमने भी जोड़ी पसार के देख ली, और भाई मैं एक बार थोड़ा सा जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उन तो भाई हम भी यह जोड़ी पसारा भाई, इस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हम भी जोड़ी पसारा हाँ भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वह भाई मदद करो, ताकि इस बेटे की जिंदगी, इस मासूम बच्चे की जिंदगी को बचाया जा सके। एक पिता है, पड़ोसी है दुष्यंत भाई, मतलब लाचार और बेबस पिता है, माँ खून के आंसू रोने लग रही है, बेटे ने न्यून बेरा ओके रहे, देखो ये बेटा है ना, तो इसको ये नहीं पता कि इसकी माँ की आंखें में आंसू क्यों है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, इन्होंने पूरी मेहनत कर ली, और एक ड्राइवर है, आप भी देख सकते हो कि एक ड्राइवर कितना पैसे जोड़ सकता है, इन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, हम भी साथ लगे हुए हैं, गांव भी साथ लगा हुआ है, लेकिन राशि इतनी बड़ी है कि एक जगह से काम नहीं चलेगा। तो सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अपना सहयोग करें, चाहे छोटा सहयोग करें, तो जितना हो सकता है सहयोग करें, क्योंकि बच्चे का एक जीवन का सवाल है, अगर आप लोगों का छोटा सा सहयोग बच्चे को एक जीवन दान दे देगा, और इस बच्चे का एक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि छोटा सहयोग करो, सभी करो। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार, कैमरा मैन दिखूंगा एक बार दिखा दे, शिव कुमार जी बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं, आंखें में आंसू हैं, और ये आंसू जो है इस बात के प्रतीक है कि ये इंसाफ मांगने लग रहे हैं बेटे के लिए, बेटे के लिए इंसाफ। बहन जी घबराओ ना, क्योंकि जो आपकी जो मांग है वो ऐसे लोगों के बीच में, सामाजिक लोगों के बीच में आपकी मांग पहुंच रही है, घबराओ ना, बेटे की जो जिंदगी वो जरूर बचेगी, और हर आदमी जो है वो अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करेगा इसमें। आप थोड़ा सा जो जितने भी दर्शक हैं जो पहले अभी थोड़ा बहुत सहयोग आया है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी मैं हाथ जोड़ कर धन्यवाद करूं, आपने सहयोग दिया और प्रशासन से भी, और मेरा आखिरी सारा मीडिया है जी, मैं उनसे भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूं, जितना हो सके प्लीज मेरी मदद करें। तो भाई इसकी पड़ताल की अगर मैं बात करूं, मैं फिर कहूं हमने सारे कागज खंगाले हैं, अन्नी बेटे की पूरी हिस्ट्री खंगाल के जीव हम लाइव आए हैं, क्योंकि कई सारे पहले भी जैसे मीडिया पहुंची है यहाँ, और उन मीडिया साथियों का तय दिल से धन्यवाद है भाई, क्योंकि असली पत्रकारिता धर्म वो है कि लाचार बेबस असहाय वंचित
दुखी और परेशान की जो आवाज बन सके वही मीडिया का धर्म है। और इस बेटे के लिए जिन जिन मीडिया कर्मियों ने भी जो साथ दिया सहयोग करने वाले उनका बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, लेकिन ईब तक वह मदद पहुंच नहीं पाई। जो मदद है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। जो कमेंट आने लग रहे भाई, कुछ कमेंट न्यू है, कमेंट में एक भाई ताराचंद है कोच से, वो सहयोग करना चाह रहे हैं लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही या कोई पेमेंट में कोई कई बार इश्यू आ जाए, तो हम कोशिश करेंगे कमेंट भी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल दें। बबली के नाम से अकाउंट आपका बबली नाम है? हाँ जी बबली है जी मेरा। तो खाता नंबर भी है ना, कौन से बैंक का अकाउंट है जी? यूको का जी। यूको का एस यो एसबीआई का जी। एसबीआई का है। चलो जो भी भाई इस नंबर पे फोन करके परिवार पीड़ित परिवार से संपर्क करो, सीधी मदद करो, हमने कोई बीच में उसकी जरूरत को नहीं भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है अन्नी बेटे की जिंदगी को बचाना। राजकुमार सोनी जी दिल से धन्यवाद, और इस बेटे की जो दुआएं हैं वो आपके परिवार में सुख और समृद्धि की वर्षा करेंगी, क्योंकि ये मासूम सा बच्चा देखो ये खेलने लग रहे नू को नहीं बेरा, इस बच्चे ने अभी परिवार के ऊपर कितनी बड़ी आफत आ रही है। हालांकि माँ के आंसू जरूर पूंजा था, लेकिन माँ के आंसू उस दिन खुशियों के आंसू में तब्दील होंगे जिस दिन इस बच्चे का ऑपरेशन होकर और यू हंसदा खेलता घर होगा। जो जो आपका सहयोग करने लग रहे हैं बहन जी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे जी? आप जोड़ का धन्यवाद है जी उनसे, और उनके परिवार में कभी भी दुख ना आए जी, हमेशा खुशियां बरसे। इस पे फोन करके भाई आईएफएससी कोड और जो अकाउंट नंबर है वो आपको परिवार जो है वो मैसेज कर देगा, और उसमें आप दिल खोल कर मदद करो भाई। एक मैं दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा भाई, थैलेसीमिया जो बीमारी है इसमें क्या हुआ है कि एक एज के बाद ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, और यदि बच्चे का टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो उसमें दिक्कत क्या हुआ है बहन? नहीं चलेगा जी, और उम्र बस इसकी ज्यादा से ज्यादा 25 साल 20 साल, इससे आगे उम्र भी नहीं जाएगी जी। विकास भाई दिल से धन्यवाद, और धन्यवाद तो विकास भाई तारे भर के भाइयों का है कि तारे भर क्या सहयोग से ये जो अन्नी बच्चा मासूम सा बच्चा ही नहीं खुद को नहीं बेरा, बच्चे ने खुद को नहीं बेरा भाई, इतने खतरनाक कागज इसके स्कूल बैग में है। जोड़ी पसार के अपील कर रहा, और ये एक बेबस और लाचार पिता, इनकी जो ये जो दुख के जो आंसू हैं इनको खुशी के आंसू में तब्दील यदि करना है तो इस बच्चे के सहयोग के लिए आप भी करो जी अपील, की करना चाहोगे? बाप के सहयोग हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मैं जी भाई, आपका जो भी सहयोग होगा मेरे बच्चे के नया जीवन देगा, और आपके बच्चों भगवान आपके बच्चों को देखो बोलने में भी असमर्थ हैं शिव कुमार जो कि बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, और मैंने कहूँ भाई इस बच्चे का पुनर्जन्म की जिम्मेदारी आप लोगों की है, इस बच्चे को यदि पुनर्जन्म देना है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल रचना भार्गव जी बहुत बहुत धन्यवाद, पोस्ट भी करो शेयर भी करो, और इस बच्चे की मासूम बच्चे की जिंदगी को बचाने का हम सब का फर्ज बने है। प्रवीण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण भाई इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद जो है इस बच्चे के ऊपर बनाए रखो। हेलो हेलो हाँ जी राम राम जी, राम राम जी लाइव चल रहा हूँ अपना धर्म भाई का देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मैं धर्म में बोल रहा हूँ भाई साहब, आप लाइव जुड़ रहे हो, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास फौजी है भाई। विकास भाई फौजी भाई राम राम भाई, धर्म भाई साहब जयराम जी की अपना ग्रुप हरियाणा आईटीबीपी ग्रुप ग्रुप है जी जी जी। मेरा विकास नाम है चरखी दादरी से। हाँ ये फोन से थोड़ा दूर हो लो तो। फौजी भाई आपका जो सहयोग इस परिवार को मिला इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर धर्मू भाई अगर पलट की भाई मैं भाई को बोलता हूँ, अगर पलट की जिस दिन अरेंजमेंट हो उस दिन मेरे को बता देना, मैं वही अरेंजमेंट करवा दूंगा पलट का। बिल्कुल फौजी भाई इनको है ना बोन मैरो, इनकी माँ का ही वो बोन मैरो चढ़ेगा और उसके लिए ऑपरेशन होगा, ब्लड का अलग मैटर है, बोन मैरो का अलग है ये। ठीक है फौजी भाई धन्यवाद बहुत बहुत। चलो ये फोन अटेंड कर लियो। तो फिलहाल ये मासूमियत, इस मासूमियत पे छोड़कर तारती जान लग रहे हूँ भाई, वीडियो ना ज्यादा शेयर कर दो ताकि इस जिंदगी को आप बचा सका। सच्चा पत्रकारिता धर्म हमारा यो है, अगर इन जैसे मासूम ऐसा शोषित वंचित दुखी परेशान लोगों का यदि हम काम आ पाए तो वही हमारी पत्रकारिता धर्म है। बिल्कुल देवंग भाई जितने भी दर्शक फिलहाल कमेंट करने लग रहे हैं स्पेशल अलग तो उनका थैंक्स करेंगे सहयोग के लिए भी और पॉजिटिव कमेंट के लिए भी। हमने पूरी पड़ताल करके जीव हम लाइव जुड़े हैं और इस बच्चे की जिंदगी बचा लो भाई। एक बार फिर परिवार की तरफ से पूरे पीड़ित परिवार की तरफ से भाई मैं जोड़ी करूँ अगर भाई अन्नी शर्मा की जिंदगी बचा लो, कर दो शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म कर दो।